हरियाणा सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के दावे करती है, लेकिन इन सभी दावों पर सरकार के ही अधिकारी पलीता लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। मामला गुरुग्राम का है, जहां पर डिप्टी सीएम के नाम पर शराब कारोबारी से अवैध वसूली का मामला सामने आया है। दरअसल गुरुग्राम में तैनात एक्साइज इंस्पेक्टर ने शराब कारोबारी को फोन कर 15 साल पुरानी शराब की 6 बोतलें भिजवाने को कहा। इंस्पेक्टर ने साफ तौर पर कारोबारी से इन शराब की बोतलों को डिप्टी सीएम के प्रोग्राम में ले जाने की बात कही। जब कारोबारी बोतलों का इंतजाम नहीं कर पाया तो गुस्साए एक्साइज इंस्पेक्टर ने 15 अगस्त की शाम को कारोबारी का ठेका सील कर दिया। यही मामला जब पलटा, जब ठेका सील होने पर कारोबारी ने इंस्पेक्टर और उसके बीच हुई बात का ऑडियो वायरल कर दिया। नमस्कार सर। नमस्ते संजीव। हाँ जी सर। भाई 6 ग्लेंड फीड की 15 साल ली। अच्छा जी। हाँ 15 साल तो मुश्किल ही होगी जी ग्लैंड फीड की। है 15 साल ही, क्योंकि डिप्टी सीएम का प्रोग्राम है। अच्छा किसका जी? अरे तू छोड़, तू ये लगा ले, तू बस और कुछ है ना, कोना बना पूछे ना 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 तू, हाँ मैं पूछ लेता हूँ जी। हाँ ऑर्डर भाई डीटी की। ठीक है जी, ठीक है ना, ठीक है मैं फोन पे कर लेता हूँ बात। हाँ बात कर, मेरे पास पूछवानी है भाई, या तो सीधा होटल में पूछवा दे। जी ऐसा है सर, है वैष्णो देवी, उनका नंबर नहीं मिल रहा मेरे से भी। नंबर नहीं मिल रहा तो कोई बात नहीं, बाद में करता रहे ना, जो भी है बातें मैं पूछ लेता हूँ जी एक बार। हाँ अगर नंबर पे रिप्लाई आता है जी, ठीक है। नंबर पे रिप्लाई नहीं, फोन नहीं लग रहा उनका, फोन तो मैंने भी किया उसको। अच्छा अच्छा जी, फोन तो मैं कर चुका हूँ फोन, फिर सर ने ये बोला संजीव को बोल, बोला विवेक जी ने से मेरी बात हुई, बोला संजीव को बोलता है जुटते को मिला फालतू। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है ना। आप एक बार करके और पूछवा भाई मेरे को, ठीक है। हाँ जल्दी बता। ओके। वहीं मामला संज्ञान में आते ही जिला आबकारी विभाग सख्त हो गया और एक्साइज इंस्पेक्टर को आनन फानन में सस्पेंड कर दिया। इतना ही नहीं, जिस ठेके को सील किया गया उसे भी खोल दिया गया। जो शिकायत आई थी उसकी हमने इंक्वायरी मार्क कर दी है, विजय कुमार एटीओ को और बाकी हेड ऑफिस को इंटीमेट कर दिया और हेड ऑफिस आगे की कार्यवाही कर रहा। वहीं साइबर सिटी में एक्साइज इंस्पेक्टर द्वारा अवैध वसूली का मामला सामने आने के बाद शराब कारोबारी ने खासा रोष व्याप्त है। मामले में खास बात यह है कि जिस एक्साइज इंस्पेक्टर ने शराब कारोबारी से फोन कर डिप्टी सीएम के नाम पर शराब की बोतलों की मांग की थी, उस इंस्पेक्टर का वो इलाका ही नहीं, बावजूद इसके इंस्पेक्टर अपना रोब जमा रहा था। हरियाणा के डिप्टी सीएम के नाम पर अवैध वसूली किए जाने के मामले सामने आने के बाद एक्साइज विभाग ने सख्त कदम उठाते हुए इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर प्रदेश सरकार के भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन मुहैया करवाने के नारे को साकार करने का प्रयास जरूर किया है, लेकिन साइबर सिटी में इस तरह के इंस्पेक्टर सरकार के दावों को पलीता लगा रहे हैं। अब देखना यह होगा कि एक्साइज विभाग इस पर और क्या कदम उठाता है, या फिर कारोबारी यूं ही इंस्पेक्टर राज में यूं ही परेशान होते रहेंगे।